आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है अपना, पार्टिकल स्लाइड्स डाउन द सरफेस ऑफ स्मूथ फिक्स्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट, फाइंड वेयर इट विल लीव द स्फीयर, शो दैट इट स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल प्लेन through the lowest point of the sphere at a distance equal to 5 into root 5 plus 4 root 2 into r by 27 from the vertical diameter. देखो इसमें अगर क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या दिया हुआ है उसको अपन डायग्राम समझें तो अपन को एक स्फेयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस r है, ठीक है, और उस पर एक पार्टिकल है हाइएस्ट पॉइंट पे जो इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, फिर उसने कुछ मूवमेंट किया, फिर उसका ऐसे कॉन्टैक्ट छूटा और ये अपना प्रोजेक्टाइल करता हुआ नीचे गिर गया। तो अपन को इस यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये पूछिए क्वेश्चन में, ये शो करने की जो ऊपर वैल्यू दी हुई है इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे जो एंगल है ये थीटा बना लिया और इसमें वेलोसिटी कितनी है वी, ठीक है, ये भी आ रहा है। तो अब देखो इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी इसकी, बट पोटेंशियल एनर्जी में यहां आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ। तो ये आर है तो ये आर कोस थीटा, तो ये वाली जो वैल्यू है ये आर कोस थीटा है, टोटल आर है, तो ये कितनी हो जाएगी आर माइनस आर कोस थीटा। अब मैं लिख देती हूँ, देखो क्या लिख देती हूँ कि भाई डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब डिक्रीमेंट कैसे लिखेंगे, एम जी आर माइनस आर कोस थीटा, और इंक्रीमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल जीरो थी तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। तो अगर इस पूरी को अपन एम वी स्क्वायर के टर्म में लिखें तो एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी आर वन माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन टर्म कर दी। अब देखो सेकेंडली क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसके इस पार्टिकल पे नीचे क्या लग रहा है, एम जी, एम जी का ये एंगल कितना होगा थीटा, तो एम जी कोस थीटा इधर और एम जी साइन थीटा इधर, तो एम जी कोस थीटा जो है वो क्या कर रहा है, एम जी कोस थीटा इसके सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर हुआ है और जैसे आगे बढ़ा इसने कॉन्टैक्ट लूज कर दिया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी कि भाई जो एम जी कोस थीटा इज इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल विच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, सो फर्दर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी कोस थीटा, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को बैलेंस कर देते हैं, 2gr1 minus cos theta is equals to rg cos theta, rg से rg cancel, अब 2 minus 2 cos theta is equals to cos theta, 3 cos theta है ना, इधर जाएगा 3 cos theta की वैल्यू कितनी आ गई 2 by 3, यहाँ पे sin theta की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो sin theta की वैल्यू क्या हो जाएगी under root 1 minus cos square theta which is equals to 4 by 9 अंडर रूट 5/9। अब जो वी स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है, आर जी कोस थीटा 2/3, आर जी वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2/3 आर जी। ऑलराइट, अब देखो ये इधर जो है वेलोसिटी इधर है और ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा और ये है थीटा, तो वी कोस थीटा हॉरिजॉन्टल में और वी साइन थीटा वर्टिकल में, ठीक है। अब देखो इधर वाली जो वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि इधर को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला नहीं है, लेकिन जो वी साइन थीटा है ये क्या है, वेरी करेगा क्योंकि डाउनवर्ड्स में क्या अपना ग्रेविटी लगेगा तो उसको चेंज करेगा, एक्सेलरेशन है इसके पास, ठीक है। तो मैं इन वाई डायरेक्शन में इसका मोशन स्टडी करूं, इन वाई डायरेक्शन में देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं यूज करूँ, एस यू इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ
80 स्क्वायर। अब एस वाई कितना है, एस वाई देखो अपनों को डायग्राम के पास फिर से जाते हैं, तो एस वाई कितना होगा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, सो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर कोस थीटा, ये यहां से लेके यहां तक की है प्लस आर, तो ये आर प्लस आर कोस थीटा हो गई, ठीक है, आर प्लस आर कोस थीटा। और यू कितना है, यू कितनी है, वी साइन थीटा, तो वी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट टू बाई थ्री आर जी, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट फाइव बाई नाइन इंटू टाइम और प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है जी के बराबर जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या है इसमें भाई, ये क्या होगी क्वाड्रेटिक आ गई इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इसको अगर अंडर रूट टेन आर जी बाई 27 लिख दे इंटू टाइम माइनस आर इंटू आर कोस थीटा, कोस थीटा वैल्यू 2 बाई थ्री, तो आर प्लस 2 बाई थ्री आर वो कितना हो जाएगा 5 आर बाई थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। अभी टाइम की टर्म्स क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक आपको पता है रूट्स कैसे निकालते हैं, टी इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए, तो टी इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट टेन आर जी बाई 27 प्लस माइनस अंडर रूट टेन आर जी बाई 27 माइनस 4 ए सी, तो माइनस और इंटू माइनस, ए सी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 1 बाई 2 जी इंटू 5 आर बाई 3 अपॉन 2 इंटू 1 बाई 2 जी, ठीक है। अब इसको साइड में थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन लिख लेते हैं इसका, कि भाई माइनस अंडर रूट टेन आर जी बाई 27 प्लस माइनस टेन आर जी बाई 27 प्लस 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये कितना हो गया टेन आर जी बाई 3 अपॉन जी, ठीक है। अब देखो इसमें, अब अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई इसके टी की दो वैल्यू आएगी, लेकिन टी की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो पूरी क्या आएगी, नेगेटिव, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस तो माइनस आएगा, तो टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये वाला रूट इसका कैंसिल होगा, तो अपन को एक रूट के साथ ही डील करना है, वो क्या है टी इज इक्वल्स टू टेन आर जी बाई 27 प्लस टेन आर जी बाई 27 प्लस टेन आर जी बाई 3 है ना अपॉन जी, ठीक है। अब इसको इधर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो माइनस टेन आर जी बाई 27 प्लस 27 और ये कितना हो जाएगा 9 जा 90 तो 100 आर जी अपॉन जी, ठीक है। अब इसके लिए अगर अपन आगे देखें, ठीक है, तो इसको अगर आगे अपन सिंप्लीफाई करें, और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, देखो टाइम की जो वैल्यू होगी फिर आगे वो कितनी हो जाएगी माइनस टेन आर जी बाई 27 प्लस 100 आर जी बाई 27 बाई जी, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ये जो है ना 100 आर जी बाई 27 माइनस 10 आर जी, तो इसमें कुछ कॉमन लेते हैं अपन, कुछ कॉमन क्या लेंगे, देखो आर जी बाई 27 जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, आर जी बाई 27 कॉमन आ गया इनटू इसमें क्या होता है अंडर रूट 100 माइनस रूट 10 अपॉन जी, ठीक है। अब देखें आगे, ये टाइम आ गया अपना, टाइम आ गया, तो वो जो एस एक्स है, एस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी एक्स इंटू टी, ठीक है, ये टाइम आ गया, जितना टाइम उसने, टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा ना,
तो वी एक्स की वैल्यू कितनी है, वी कोस थीटा इंटू टाइम अपने पास ऊपर आ गया। अब वी कितना है अपना, वी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2/3 आर जी, और कोस थीटा कितना है 2/3 इंटू टाइम देख लेते हैं हम, आर जी बाई 27 रूट 100 माइनस रूट 10 अपॉन जी। सो जी से जी कैंसिल यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ये जो है ना ये रूट में है पूरा क्वांटिटी, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, भाई आर जी आर जी आर जी, और ये जो है 227 तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू 2√2/g, ठीक है, रूट 100 माइनस रूट 10, ठीक है, जी से जी कैंसिल, आर बाई 27 आर बाई 27 इंटू 2√2 रूट 100 माइनस रूट 10 प्लस इसमें क्या करेंगे आर साइन थीटा, ठीक है, इस वैल्यू में प्लस क्या करेंगे आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 5/9 आर, ठीक है। अब देखें आगे, ठीक है, आर बाई 27 5/9 आर। अब इसमें आर ही कॉमन आ रहा है सिर्फ, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, ओके आर कॉमन ले लिया, तो 2√2√100 बहुत सारे ब्रैकेट्स हो गए हैं, अपॉन 27 प्लस अंडर रूट 5/9। अब 5/9 को तो अंडर रूट 5/9 को तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ भाई, ये जो है ना आर 2√2√100 माइनस रूट 10 अपॉन 27 प्लस अंडर रूट 5/3, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम लेंगे वो 27 आएगा, तो 27 को मैंने कॉमन ले लिया, वह इसका इधर से एलसीएम लेंगे, 2√2√100 माइनस रूट 10 प्लस प्लस कितना हो जाएगा ये 9, तो 9√5, ठीक है। अब देखो इन सारे को अपन में क्या करते हैं आर बाई 27 और इसको किस में कर लेते हैं, इन सबको मतलब रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये रूट फोर रूट एट ये 2 जो है ना, 2 कहाँ से था, हाँ ठीक है, तो √4√8√800 माइनस √8√80 प्लस ये जो 81 फाइव जा 2√200 माइनस इसको लिख देते हैं रूट फाइव की टर्म्स में लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4√5 प्लस 9√5, ठीक है, आर बाई 27 और ये कितना हो जाएगा 2√200 प्लस 5√5, ठीक है। अब 200 कितना होता है भाई, 25 पेट जा होता है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ आर बाई 27 5 अगर अपन कॉमन ले लें 25 और ये कितना हो जाएगा 8 2√8 मैं इसको लिख सकती हूँ 4√2 प्लस √5 √5 और इसको 4√2 हो जाएगा ये, फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें इसको 4√2 प्लस √5 इंटू ये 5 इंटू आर बाई 27। तो ये अपन ने शो कर दिया, थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।